तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है, जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे जो कॉइन दिखाई दे रहा है वो 50 पैसे का नेशनल इंटीग्रेशन वाला कॉइन है। इस कॉइन की मिंटेज हुई थी 1982 में, यानी इस कॉइन को 1982 में बनाया गया। तो कॉइन का जो मेटल है कॉपर निकल है, और इस कॉइन का जो वेट होता है अप्रॉक्स 5 ग्राम्स तक होता है। इस कॉइन की कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स ने इमेजेस सेंड की थी और बोला कि सर इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों अगर इसके वैल्यू के बारे में हम बात करें तो इस कॉइन की मिंटेज जो हुई थी 2 मिंट से हुई थी, एक बॉम्बे मिंट से हुई थी, दूसरी कोलकाता मिंट से हुई थी। और बॉम्बे मिंट वाला जो कॉइन होता है कॉमन होता है, उसकी जो वैल्यू होती है 5 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कॉइन की कंडीशन होगी वैसे ही उसकी वैल्यू डिफर करती है। और उसके बाद से आता है कोलकाता मिंट का कॉइन। कोलकाता मिंट का कॉइन रेयर होता है, आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी कॉइन्स आपके हाथ में आएंगे वो सारे बॉम्बे मिंट के ही होते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल चांस होती है ये कि वो बॉम्बे मिंट के हैं। और कोलकाता मिंट का जो कॉइन होता है रेयर होता है। हमारे पास भी 100 कॉइन थे, उसमें से एक निकला कोलकाता मिंट का। और कोलकाता मिंट वाले कॉइन की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स 500 से लेकर 1000 रुपए के बीच में होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कॉइन की कंडीशन होगी उतनी ही ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन के यानी यूएनसी कंडीशन के कॉइन की वैल्यू जो होती है बहुत ज्यादा मिल सकती है आपको। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 500 से 1000 तक इस कॉइन की जो वैल्यू होती है होती है। अगर आप में से किसी के पास भी रेयर वाला कॉइन है कोलकाता मिंट का, तो आप किसी भी डीलर से कांटेक्ट करके उसको सेल कर सकते हैं। या तो अगर आप एक कलेक्टर हैं तो अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, आगे चल के उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके पास कौन कौन से कॉइन है और आपके पास ये वाला कॉइन है कि नहीं 50 पैसे का। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को दबा दीजिए बेल बटन, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।